लिखे नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद मुल्क छोड़कर जा रही है, जिसे हम ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट या ब्रेन ड्रेन भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके मुल्क के जो बेहतरीन दिमाग है वो आपका मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर है। क्या वजूहत है, यही जानते हैं आज पब्लिक से। आज मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। महराज साहब, आप बताएं क्या वजूहत है, क्यों जा रहे हैं लोग मुल्क छोड़कर? अगर सारे बेहतरीन लोग हमारे मुल्क छोड़ देंगे तो क्या बनेगा इस मुल्क का? नहीं, बेहतरीन लोग तो जाहिर सी बात है क्रिएटिव माइंड होता है, वो सोचता है कि मेरा मुस्तकबिल क्या है इस मुल्क, चाहे मुल्क का कुछ भी हो पीछे। नहीं, पीछे क्या मतलब, हम भी यही सोच के ना यहाँ रुक गए थे। जब हम भी इस एज में थे ना, यंग एज में, तो हम भी ये सोच के रहते थे कि हम आगे चलेंगे, मुल्क आगे जाएगा, मुल्क जाएगा। लेकिन वो इतना पीछे हो गया कि तालीम बच्चों के लिए मुश्किल हो गया है। अब जब बच्चा पढ़ लेता है तो फिर यहाँ सिस्टम इतना ख़राब है ना, तो सिस्टम की वजह से वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा, वो क्या करेगा। आप देखें, इतना रश है, लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, गाड़ियां भी ले रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो फिर मुल्क छोड़ के क्यों जा रहे हैं? भाई, इस्लामिक कंट्री के सबसे बड़े शहर में आप खड़े हुए, आपको रश नजर आ रहा है? ये इस्लामिक कंट्री का, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा शहर है कराची, जिसको अहमियत नहीं दी जाती। अगर उस हिसाब से आप रश देखें, चंद मार्केटों में आपको रश नजर आ रहा, पूरे शहर के शहर खाली। इसी सदर में आप चले जाएं, सिवाय एक दो मार्केटों के कहां रश है। भाई से बात करते हैं, तालिब भाई क्या कहते हैं देखते हैं। यहाँ जो हालात छोड़े हैं उसके हिसाब से तो मुल्क छोड़ के जाना बनता है, लेकिन हमारा मुल्क है, देखें जैसा भी है इसको हमने ही ठीक करना। दोस्त, तवा भी तो हम ही कर रहे हैं। वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ठीक भी तो हम ही करेंगे। ठीक भी हम ही करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने ठीक करना है वही खराब करने पर तुले हुए। आपको अगर बाहर जाने का मौका मिले, आप कौन सा मुल्क में जाएंगे? मैं नहीं जाऊँगा बाहर, मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा। यार, ये होते हैं हुब्बुल वतन लोग, दस बुराइयां सही इस मुल्क में, लेकिन पाकिस्तान में ही रहना चाहेंगे। अपना है, जैसे वो कहते हैं ना, भाई जितना भी बुरा हो लेकिन भाई अपना है, खून अपना, इसी तरह से वतन भी अपना ही है। ये तो वतन अपना ही है, हम ही ने सही करना है, लेकिन अफसोस इस बात का होता है जिन लोगों के हाथों में निज़ाम है ना, वो ख़राब करने पर तुले होते हैं। अरे भाई, मैं ढूंढ रहा था, इस तरह की बात किसी ने भी नहीं की। देखें, वतन तो आखिर अपना है ना, हमने इसको बनाना है, हमने इसको सजाना है, अपनी होती है ना, इसी तरह वतन भी अपना। यार, आप इतनी जज्बाती बातें कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के। आप 10,000 रुपये दे दीजिएगा, आपने हमारा माइक यूज़ किया। अरे यार, ये तो ज़बरदस्त बात की आपने, बहुत आला की मेरे बोलने में, 25,000 अलग है। ये कैमरा मैन को तनख्वाह देंगे। सूरत हाल यही चल रही है बस। चले चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस्माइल शाह साहब से पूछेंगे। जी इस्माइल शाह, ये यहाँ पर कारोबार नहीं है, इस वजह से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं लोग। आपको अगर मौका मिले कहीं बैरून मुल्क जाने का, आप कौन सा मुल्क जाएंगे? मैं तो कनाडा जाऊंगा। अगर कनाडा जाएंगे, यार वो तो वैसे ही इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, पाकिस्तान को आप क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? ये इधर ही, हम तो जा नहीं रहे, हम तो है ही। अभी आपने कहा, अगर वैसे चक्कर, इस मुल्क में आखिर बुराई क्या है पाकिस्तान में? इसमें कोई बुराई, सब अच्छाई है इस मुल्क में, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, बैठ के सुकून से खा। कनाडा में कोई जानने वाला है? नहीं है वहाँ। तो आप कैसे कह रहे हैं मैं कनाडा जाऊँ? वैसे सुना है, लेकिन जानने वाला है? हमारे लिए तो कनाडा यही मुल्क है। चले, आप कनाडा जाएं और मुझे भी बुला लीजिएगा कनाडा। जी काशिफ भाई, ये पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद 2022 में भी देखा गया कि काफ़ी लाखों की तादाद में मुल्क छोड़कर नौजवान गए, हुनरमंद तबका मुल्क छोड़कर गए, क्या वजूहत हैं इसके पीछे? देखें, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सारी बात तो ये है कि मुल्क छोड़ने के कोई भी इंसान अपना मुल्क छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि मुल्क में जिस पर रहें पले पड़े वो कौन छोड़ करके यहाँ से जाएगा। रीज़न ये है कि दिन ब दिन इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, और तालीम में दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, और इसके अलावा नौजवान जो हैं ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, MPhil PhD इतने सारे बेरोज़गार बैठे हुए, तो दैट इज़ वाई दे आर यू नो सर्चिंग फॉर द बेटर ऑप्शन टू मूव अब्रॉड। एक यही सबसे बड़ा रीज़न है जो लोग मुल्क छोड़ करके यहाँ से लोग जा रहे हैं बाहर मुल्क की तरफ देख रहे हैं, और जिनको जहाँ मौका मिल रहा है वो उस तरफ। अच्छा भाई, आपको कभी अगर मौका मिला कि आप लंदन में सेट हो जाएं, अमेरिका में सेट हो जाएं, आप जाएंगे? मैं बिल्कुल सेट होना नहीं चाहूँगा, और इसलिए कि मुझे वैसे ही ऑफर हो चुकी है अपना, मैं स्कॉलरशिप मुझे मिल गई है पढ़ने के लिए, इंशाल्लाह जा रहा हूँ। यही लोग हैं, यही पाकिस्तानी है, हुब्बुल वतनी इनमें कूट कूट के भरी हुई है, और मैं यकीन करें ढूंढ रहा था इतनी देर से कोई आपकी तरह का मुझे बंदा मिल जाए, आपने यकीन करें दिल जीत लिया। थैंक यू वेरी मच। आप इसी बात पे 5,000 रुपये दे दें हमारा रेंट। माइक, ये हमारे जो हजारों की तादाद में सब्सक्राइबर देख रहे हैं, इनका कुछ रेट तो होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा, से 5,000, ये तो बहुत ज़्यादा। चलें आप, कोई बात। आपको अगर आपके बस में हो तो आप कौन सी कंट्री जाना पसंद? यार मेरी पहली प्रायोरिटी जो होगी वो ऑस्ट्रेलिया होगी। यार आप मुल्क छोड़ के जाएंगे तो फिर कैसे होगा, जब ब्रेन ड्रेन का हम शिकार हो जाएंगे? सारे बेहतरीन दिमाग हैं, आप भी मुझे काफ़ी पढ़े लिखे लग रहे हैं, अगर आप चले जाएंगे तो इस मुल्क का पीछे क्या होगा? भाई आई बिलीव के 1947 से अब तक ऐसा ही है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं या जो मुल्क चलाने वाले लोग हैं, ख़ासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है,
तो उनका प्लान और पर्पस यही है कि मुल्क का जो ब्रेनी तबका है या जो नौजवान नस्ल है वो मुल्क छोड़ के बाहर जाए, वहाँ से रेमिटेंस भेजें और यहाँ पर मुल्क जो है वो डॉलर्स में अर्न करें उनके थ्रू, और फिर हमारा यहाँ पे बिजनेस रन होता रहे। आप अगर देखें तो हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हमारी जो पहले मौजूद थी वो अब नहीं है, यानी हम कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। जब आप कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं तो सर्टन सी बात है कि बाय द एंड ऑफ द डे आप लोगों से पैसे उधार मांग के और उस पर अपनी कंट्री को रन कर रहे हैं। तो आप ऑस्ट्रेलिया जाने के ख्वाहिशमंद हैं, ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है भाई, पाकिस्तान में रहें, इस मुल्क की कोई खिदमत करें। भाई 40 साल मेरी उम्र हो गई है, ठीक है, तो ख्वाहिशमंद तो ज़रूर हैं मगर जाना इस वक्त पॉसिबल नहीं है, और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान को ही सारी ज़िंदगी दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। ऑस्ट्रेलिया में कोई है आप? नहीं भाई कोई भी नहीं है। प्रोसेस पता है आपको वीज़ा प्रोसेस कैसे लगता है? वीज़ा प्रोसेस बिल्कुल मालूम है मुझे, आप मुझे भी बता दीजिएगा यार, मैं भी ट्राई करूँगा जाने की। जावेद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद अहमद साहब, ये पाकिस्तानियों को क्या हो गया है, 2022 में भी लाखों पाकिस्तानी जो हैं मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। बेसिकली हो ही रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो यंगस्टर हैं उनको किसी भी फील्ड में कहीं भी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल हैं तो सैलरी जो है वेरी लो हैं, और डे बाय डे आप देख रहे हैं कि जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, और उसको मद्देनज़र रखते हुए जो बिजनेस है यहाँ पे, जो टेक्सटाइल है या और जो भी फील्ड्स हैं वो बंद होती जा रही हैं। जावेद भाई आपकी सारी बातें ठीक हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, लाकानूनियत है, सब कुछ है, लेकिन मुल्क तो हमारा अपना है, हमें ही ठीक करना है। डेफिनेटली यहाँ मुल्क में अगर आपके पास कुछ खाने को नहीं होगा, कुछ पीने को नहीं होगा, रहने के लिए छत नहीं होगी सही, आपका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल गिर गया है, बिल्कुल हम लोग डाउनवर्ड चले गए हैं। ये देखें ना जावेद भाई, शॉपिंग प्लाजा, शॉपिंग सेंटर्स भरे हुए हैं, खरीदारी कर रहे हैं लोग दबा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर भरे हुए हैं तो यहाँ की आबादी के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर करोड़ों में आबादी है तो आपको सैकड़ों में लोग मिलेंगे। सारी बातें ठीक है जावेद भाई, मुल्क हमारा है, हमें इसको ठीक करना है, और आप ये अजम करें मेरे साथ कि हम ही इसको ठीक करें। डेफिनेटली हम लोगों को, मैं तभी यही हूँ, अपने ही मुल्क में रह रहा हूँ, मुझे वीज़ा की लाइन में लगना है, मेरा कनाडा का इमिग्रेशन का वीज़ा हो रहा है प्रोसेस, मैं इजाज़त चाहूँगा। ओके थैंक यू सर। चलो भागो भागो।